नमस्कार दोस्तों, मैं पीएस रोशी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा सातवीं में। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे और हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कहते हैं कि जब आपके मन में किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प होता है या मन में कार्य पूर्ति की इच्छा होती है तो आप उस कार्य को बड़े आसानी से पूरा कर सकते हो, उसमें कोई दो राह नहीं है। आज हम लोग जहाँ चाह वह रह इस सुभाषित पर आधारित एक ऐसा ही पाठ देखने जा रहे हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपनी संकल्प इच्छा से अपने लिए अपने कार्य को किस तरीके से पूरा करते हैं। तो चलिए हम पाठ को देखते हैं। पाठ कुछ इस प्रकार से है। पाठ की जानकारी लेने से पहले हम इस पाठ की जो लेखिका है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। हमारे इस पाठ की जो लेखिका है उनका नाम है अनुराधा मोहिनी जी। अनुराधा जी का जन्म 21 सितंबर 1961 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ा योगदान दिया हुआ है। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ कुछ इस प्रकार से है। इसबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा पे संपन्न हुई। तो इसबा नाम का एक छोटा सा गांव है, देहात है, वहाँ पर एक स्कूल थी। बारिश का मौसम था। अचानक से बारिश होने की वजह से जो असेंबली या जो प्रार्थना ग्राउंड पर होती थी, मैदान पर होती थी, बारिश की वजह से वो क्लास में संपन्न हुई, कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। तो जब प्रार्थना हो गई, सारे बच्चे अपने अपनी जगह पर बैठ गए, तो जो शिक्षक थे, शिक्षक ने वहाँ बच्चों की उपस्थिति यानी प्रेजेंटी लेने का शुरू किया, काम किया। लेकिन जब उन्होंने बच्चों की तरफ नज़र फैलाई तो उन्हें बहुत ही कम बच्चे दिखाई दिए और उन्होंने कहा, आज इतने विद्यार्थी अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। तो जो शिक्षक थे, शिक्षक ने उन विद्यार्थियों से पूछा कि अरे आज ऐसी क्या बात है, आज ना तो कुछ तीज है ना त्यौहार है, फिर इतने बच्चे अनुपस्थित मतलब एब्सेंट क्यों है। वही नाला गुरुजी सब ने एक स्वर में उत्तर दिया। सारे बच्चों ने एक ही स्वर में आवाज देते हुए कहा कि गुरुजी वही गांव का नाला। इस बार गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। तो इसबा गांव और पाठशाला के बीच एक नाला बहता था। नाले के एक तरफ गांव था और नाले के दूसरी तरफ पाठशाला एवं खेत थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेत चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए विद्यार्थियों को नाला लांघना असंभव सा था। अब जब बरसात होती या तेजों की बारिश होती तो जो नाला है, नाला 4 से 5 फीट के ऊपर बहता। ऐसे में जो बुजुर्ग या बड़े लोग थे वे अपने मवेशी गाय बैल भैंस के साथ नाले को पार कर लेते, लेकिन वो पानी से लबालब भरा हुआ जो नाला था, वह नाला विद्यार्थियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए पार करना असंभव था। उन्हें डर लगता था उस नाले को पार करने के लिए। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। तो जब कभी भी गांव में बारिश होती तो उस वजह से बच्चों की उपस्थिति या बच्चों की स्कूल में जाने की संख्या पर असर पड़ता, कई सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। कई बार तो सप्ताह भर या वीक भर अगर पानी पड़ता तो बच्चे पूरे सप्ताह भर अपने स्कूल नहीं जा पाते, अपनी कक्षा अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, इसबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया। अब देखते देखते जब भी बारिश होती तो बच्चे यह गीत गाना शुरू कर देते कि गांव में बरसात नाले में पानी, पाठशाला से छुट्टी, इसबा की यही कहानी। यानी बच्चों को उस नाले से इतनी तकलीफ थी, लेकिन फिर भी गांव के किसी भी बड़े व्यक्ति ने उस नाले को दुरुस्त करना या यहाँ पर पुल बांधने की बात तक नहीं की। पाठशाला में उपस्थिति का विद्यार्थी की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता।
तो पाठशाला में जो बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी पढ़ाई पर खासा असर पड़ता, क्योंकि जो क्लास में या कक्षा में पढ़ाया जा रहा था वो बच्चे जो अनुपस्थित रहते थे या क्लास नहीं जा पाते थे उनकी पढ़ाई के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ रहा था। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अच्छे मार्क्स लाते थे, तो अनुपस्थित रहने के कारण उनकी पढ़ाई पर भी या उनकी मार्क्स पर भी उनका बड़ा असर पड़ता था। सब परेशान थे पर क्या करते, मार्ग असंभव था। सारे बच्चे बड़े परेशान थे, क्या करें क्या करें, लेकिन उन बच्चों के लिए उस समस्या पर मार्ग निकालना असंभव सा था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। हम लोगों ने प्रत्यय उपसर्ग इसमें पढ़ाई है कि मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द के आगे पीछे शब्द लगाने से या शब्द समूह लगाने से प्रत्यय उपसर्ग बनता है। असंभव, असंभव में जो मूल शब्द है वो संभव है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई, तो यही एक संभावना जो थी एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे, सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक दिन भी ऐसे ही बरसात हो रही थी, बरसात की वजह से नाले में पानी आ गया था, इस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। इसलिए जब बरसात थोड़ी सी रुक गई तो जो बच्चे थे, बच्चे जो चौपाल था, चौपाल के नीचे बरगद के पेड़ के नीचे जो एक चबूतरा बना था उस चबूतरे के नीचे आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तभी तुषार जो था एक उनका साथी, वो वहां से गुजर रहा था, उसने कहा, भूत। तुषार ने कहा कि अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो जो तुषार ने उन्हें उस पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा तो कहा कि अरे यहाँ पर क्यों बैठे हो, इस बरगद के पेड़ पर तो भूत होते हैं। भूत उत्सव कोरी कल्पना है और बकवास है। तो जो जुई है, जुई ने कहा कि अरे क्या बातें कर रहे हो, भूत भूत ये सारी कोरी कल्पनाएं, मनगढ़ंत बातें, इन सारी बातों के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जू ने करकर बातचीत को आगे बढ़ाया। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। तो जो उज्ज्वला है, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा कि अरे भाई आज फिर से एक अनुपस्थिति, कुल मिलाकर इस साल मेरी 14 अनुपस्थितियां या मैं 14 दिन तक इस साल या इस सीजन में या इस सेमेस्टर में अनुपस्थित अब्सेंट रही हूँ अपनी क्लास में, उज्ज्वला ने पूरे परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। उज्ज्वला की बात सुनने के बाद जो शुभम ने कहा कि अरे तुम्हारी 14 दिन अनुपस्थिति रही, लेकिन मेरी तो 14 दिन प्रेजेंट ही क्लास में लगी है, स्कूल में लगी है। यह सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में कहा। आशीष ने जब दोनों की बात सुनी और सुनने के बाद उसने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि अरे ये कब तक चलेगा? क्या हम लोग ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही हमारा अपनी पढ़ाई पर असर पड़ने देंगे या पिछड़े रहेंगे? हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। तो तुषार ने कहा कि अरे करना क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे बच्चे, हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। तो वहां पर बैठे सारे बच्चे तालियां बजाकर गाने लगे कि हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। तालियां बजाकर एक साथ वे सारे बच्चे जो थे वो सारे बच्चे गाना गाने लगे। जो बचा हुआ शीर्ष भाग है वो हम अपने अगले पीरियड में देखेंगे।